आज ही अपने फेसबुक लाइव में आज कोरोजिव इंजरी मीन्स एसिड पॉइजनिंग की बात करेंगे। तो ये एसिड पॉइजनिंग ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये इसमें टू सेंसिबल इन्वॉल्वमेंट है। एक तो ये यंग पेशेंट में होता है, कॉमनली फीमेल पेशेंट में होता है, और सेकंड के पुअर सोशियो इकोनॉमिकल क्लास में होता है। आप इंडियन सिनेरियो देखो तो ये मोस्ट ऑफ द कॉजेज एसिड पॉइजनिंग के कॉजेज में डोमेस्टिक घर का कुछ झगड़ा होता है, उसकी वजह से लार्जली फीमेल पेशेंट वो एसिड पी लेते हैं तो उनको इंजरी होती है। तो इम्पोर्टेंट और थिंग है ये लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी होती है, इसमें लंबी ट्रीटमेंट चलती है तो पेशेंट यहाँ से यहाँ तक घूमता है। और एक मोर थिंग के इसकी एसिड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है, बिकॉज ये वेस्टर्न कंट्री में है नहीं, इट इज़ मोर ओवर दिन एशिया एंड इंडियन कंट्रीज में ही है। एंड वी इन काइजन हॉस्पिटल एज एन GI सेंटर वी हैव अ लार्ज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग कोरोसिव इंजरी। इन ईयर में मिनिमम 20-30 पेशेंट कोरोसिव इंजरी का हम यहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोसिव इंजरी की बात करते हैं तो ये एसिड पॉइजनिंग जो लोग मुँह से पीते हैं, कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो मुंह में पहले वो मुंह में इंजरी करता है, फेरिंग्स में, गले में इंजरी करता है, स्वरपेटी में इंजरी करता है, वो अन्नली से पास होता है तो अन्नली में इंजरी करता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड जो स्टमक में पड़ा रहता है होजरी में तो वहाँ ज़्यादा इंजरी करता है। तो ये इंजरी ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट सीरियस इंजरी होती है, कभी वो दैट डिपेंड ऑन द क्वान्टिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। कॉमनली जो हाउस होल्ड एसिड है वो टॉयलेट पर यूज करते हैं, वो पीते हैं, तो कितनी क्वांटिटी में लिया है और कितना एसिड पिया है। तो ऐसे एक मैं एडवाइस करूं सबको कि आफ्टर एसिड पीने के बाद कोई मुंह से कोई चीज़ देने का ट्राई नहीं करो। पेशेंट को ऐसा है कि पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, ये पिलाओ, कुछ नहीं देना मुंह में टिल आप स्पेशलिस्ट और डॉक्टर के पास जाओ। तो ये लोग ये जब पेशेंट एसिड पॉइजनिंग के हमारे पास आते हैं तो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट जो सीरियस पेशेंट आते हैं जिन्होंने ज़्यादा एसिड पिया है, उनकी गले में बहुत दर्द होता है, छाती में बहुत दर्द होता है, खून की उल्टियाँ होती है वो इंजरी की वजह से, ऐसे पेशेंट इमरजेंसी रूम में आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। और ये पेशेंट में एसिड पॉइजनिंग में जो फ्यूम होती है एसिड की, वो अपने लंग्स में भी जाती है और वो अपनी स्वरपेटी भी एसिड से इंजरी होती है, तो उनकी श्वास में भी दिक्कत होती है। तो कभी पेशेंट श्वास नहीं ले पाता तो इमरजेंसी में उनको ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है, वो इमरजेंसी रूम में ही क्योंकि श्वास के बिना 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं जी सकते, तो इमरजेंसी में ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है और उनको ICU में एडमिट करते हैं। तो अभी वो उनको रेस्पिरेशन, उनका श्वास का मामला थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एसिड पीने से उनकी अन्नली और स्टमक में इंजरी होती है, वो इंजरी में डिफरेंट ग्रेड होता है। तो जो सीवियर इंजरी होती है उसमें अन्नली जल जाती है और स्टमक में परफोरेशन हो जाता है, तो ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। इमरजेंसी में ऑपरेशन करके वो जला हुआ और परफोरेशन मीन्स पंक्चर हुआ स्टमक को निकाल लेना पड़ता है, वो इमरजेंसी सर्जरी होती है, लेकिन लाइफ सेविंग पार्ट के लिए वो करते हैं। तो ये पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रेकियोस्टोमी की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत। उसके अलावा जो पेशेंट को मॉडरेट इंजरी है, जिनको परफोरेशन नहीं हुआ, उन पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मुँह से कुछ देने का नहीं है, राइस ट्यूब नली भी नहीं डालने की है, उनको ग्लूकोज देते हैं, और जब पेशेंट सेटल डाउन होता है तब एंडोस्कोपी करते हैं। तो एंडोस्कोपी पहले 72 आवर्स में एंडोस्कोपी करते हैं। तो ये एंडोस्कोपी करने से हमें कितना ग्रेड की इंजरी है वो पता चलता है, उसमें ग्रेडिंग होता है, जो माइल्ड इंजरी होती है वो ग्रेड 1 होता है, मॉडरेट होती है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इंजरी होती है। तो अभी एंडोस्कोपी में ग्रेड 1 इंजरी आया तो उसमें क्या होती है, खाली सूजन होती है नली में, स्टमक में, वो गंभीर बीमारी नहीं है। तो उसमें पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं लेने का और IV इंजेक्शन ग्लूकोज के देते हैं, 3-4 दिन में पेशेंट अच्छा हो जाता है और खाना पीना स्टार्ट हो जाता है और वो आउट ऑफ डेंजर हो जाता है। जो मॉडरेट इंजरी होती है वो पेशेंट को खाना नहीं दे सकते क्योंकि वो अन्नली जली हुई है, तो उनको हम छोटा ऑपरेशन करके एक आंतर में छोटी ट्यूब डाल देते हैं, उसको फीडिंग जेजुनोस्टोमी कहते हैं, वो नली से हम खाना देते हैं और उनकी स्टमक और अन्नली को हम आराम देते हैं। तो ये अभी ये आराम देते हैं और पेशेंट 15-20 दिन के बाद 15-20 दिन के बाद पेशेंट को जब धीरे धीरे अन्नली की सूजन कम हो जाती है, अंदर छाले पड़े और ठीक हो जाते हैं, तब उनके मुंह से खाना देना का लिक्विड पहले देते हैं और उसके बाद सॉलिड फूड और दे देते हैं, तो ये पेशेंट भी 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। अभी जो बात कर रहे हैं वो सीवियर इंजरी की, जिसमें अन्नली जली हुई है, स्टमक भी जला हुआ है, वो
20-25 दिन के बाद हीलिंग होता है तब वो सिकेट्राइजेशन में सुकड़ जाती है, अन्नली भी सुकड़ जाती है और स्टमक भी सुकड़ जाता है। तो इसके लिए हम वो कॉन्ट्रास्ट 100 पेगोग्राम करके वो दवाई पिला के उनकी अन्नली और स्टमक की जांच करते हैं 20 दिन के बाद। जो अन्नली जली हुई होती है, सुकड़ गई है, तो उसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। स्ट्रिक्चर हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट है, उसको डायलिटेशन करना पड़ता है, एंडोस्कोपी से नली डाल के उसको जो सुकड़ गया है उसको रास्ता बड़ा करते हैं। और एक बार बड़ा करने से वो ठीक नहीं हो जाता है, बिकॉज ये अन्नली जली हुई फिर सुकड़ जाती है, फिर डायलेट करते हैं। ऐसा मिनिमम 4-5 बार करना पड़ता है। बाद में वो नली 2-3 महीने में नली ठीक हो जाती है और पेशेंट सब कुछ खाना स्टार्ट कर सकता है। जो पेशेंट की स्टमक को सिकेट्राइजेशन हुआ है उसको पाइलोरिक स्टिनोसिस बोलते हैं, वो एंडोस्कोपी डायलिटेशन से अच्छा नहीं होता, तो 1.5-2 महीने के बाद वो जला हुआ पार्ट स्टमक का निकाल देते हैं और रूटीन और उसको एंड को ज्वाइंट करके नॉर्मल स्टमक बना देते हैं, तो पेशेंट को नॉर्मल हो जाता है। अभी प्रॉब्लम वो होता है कि जिनकी अन्नली सुकड़ गई है वो डायलिटेशन करते हैं तो रास्ता खुलता है, बाद में डायलिटेशन बाद में फिर सुकड़ जाता है। ऐसा 4-5 बार किया, हर बार ऐसा होता है, तो पेशेंट को लंबे टाइम तक डायलिटेशन से बचने के लिए उनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में वो क्या करते हैं, उनको ऑपरेशन करके जो अन्नली जली हुई है उसको हम बाईपास करते हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिनमें हम पेट में से बड़ी आंत को निकाल के, बड़ी आंत को वहीं उनका ब्लड सप्लाई के साथ फ्री करके उनको पेट में से गले में ला के, गले में उनको एक बाई ऑपरेशन करके वहीं ज्वाइंट कर देते हैं, और पेट में उनकी स्टमक जो अच्छी है तो स्टमक के साथ, जो स्टमक भी जली हुई है तो उसकी छोटी आंत के साथ एनास्टोमोसिस करते हैं। तो इसको ओ कोलोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें अन्नली मुँह से जो अन्नली अच्छी है वहीं से स्टार्ट करके नीचे तक उसको स्टमक तक ज्वाइंट कर देते हैं, तो वो पेशेंट वहीं से खाना खा सकता है। अभी जो पेशेंट कैसे पेशेंट होते हैं कि जिनको गले में भी जलन हो गई है, गला का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, सांस नली भी जली हुई है, तो उनको ट्रिकोस्टोमी पे वो कृत्रिम वो वहीं से सांस लेते हैं और वो ऐसा होता है कि थूक भी नहीं गल सकते। तो इससे पेशेंट को फेरिंगो कोलोप्लास्टी, जो बड़ी आंत पेट में से कोलोन लाते हैं वो कोलोन गले में उनको एनास्टोमोसिस करते हैं फेरिंग्स के साथ, तो इसको फेरिंगो कोलोप्लास्टी करते हैं। लेकिन दिस ऑल पेशेंट एट द एंड ऑफ 4-5 मंथ सब ये सर्जरी इमीजिएटली नहीं करते, 4-5 महीने के बाद जब पेशेंट की तबीयत अच्छी हो जाती है, वो फीडिंग ट्यूब से खाना खाता है, पेशेंट को तबीयत अच्छी हो जाती है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। बड़ी सर्जरी है लेकिन एंड ऑफ में पेशेंट सब कुछ नॉर्मल खाता पीता हो जाता है। ऐसे पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता तो वो यहाँ से यहाँ घूमते हैं, कोई बताता है कि अन्नली अच्छी नहीं है, बट लेकिन अब स्पेशलिस्ट सेंटर में और कोई GI गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर में जाओ जहाँ सर्जरी की एंडोस्कोपी की जो फैसिलिटी है लाइक काइजन हॉस्पिटल, तो यहाँ सब कुछ। अब पहले दिन पे कोरोजिव इंजरी हुआ तो ICU में रखना पड़ता है, बाद में परफोरेशन हुआ तो सर्जरी करनी पड़ती है, लेटर और स्ट्रक्चर डायलिटेशन करना पड़ता है, तो ये सब फैसिलिटी काइजन हॉस्पिटल में है। और ये यंग पेशेंट को जो पेशेंट हैं जो यहाँ से यहाँ घूमते हैं, कोई पेशेंट नली पे खाना खाते हैं और हाथ में डब्बा लेके घूमते हैं थूकने के लिए, क्योंकि वो अपनी सलाइवा थूक भी नहीं कर सकते, ऐसी पोजीशन मिजरेबल पोजीशन होती है यंग पेशेंट की, वो उनको सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से बिल्कुल नॉर्मल खाना पीना कर देते हैं। तो ये सब फैसिलिटी काइजन हॉस्पिटल में है और यह सब स्पेशलिस्ट सेंटर हैं जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस हियरिंग।